कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, हम विपक्षी एकता को किए जाने के पक्षधर है। लेकिन अमित शाह जी, बिहार में जब हमने फैसला लिया तो आपकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आप 2 दिन के सीमांचल के प्रवास पर। नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है, मैं हूं आपके साथ वसीर। कल पूर्णिया में अमित शाह की रैली थी, उस रैली में अमित शाह ने कितनी बार क्या शब्द बोला, कितनी बार लालू यादव का नाम लिया, वहीं कितनी बार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को अपने टारगेट पर लिया, इसका खुलासा जो है आज जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार ने कह दिया है। और जिस तरह से APJ अब्दुल कलाम यूनिवर्सिटी की बात है, उन्होंने कहा था अमित शाह ने कि केंद्र सरकार ने इसको बनवाया है, लेकिन उन्होंने कहा है कि वो सरासर झूठ बोल रहे हैं, ये राज्य सरकार ने 2013 में बनवाया था। सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं जेडीयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार। तो सुना, हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी और हमारी पार्टी ने ये बार बार स्पष्ट किया है कि हम प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार नहीं है, हम विपक्षी एकता को किए जाने के पक्षधर है। लेकिन अमित शाह जी, बिहार में जब हमने फैसला लिया तो आपकी बेचैनी इतनी बढ़ गई कि आप 2 दिन के सीमांचल के प्रवास पर, और लगा कि अब तो आगाज हुआ है। केवल महागठबंधन ने जब आगाज किया और राष्ट्रीय राजनीति में यह बहस का विषय बन गया तो भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व बेचैन होकर करके पहुंच गया सीमांचल पूर्णिया के दौरे पर, 2 दिन के प्रवास के दौरे पर। तो ये तो आगाज से इतनी परेशानी आपकी हो रही है, जब आगाज में इतना बेचैन है अमित शाह जी, तो आने वाला दिन जो 2024 का है उसका एहसास तो आपको खूब अच्छे तरीके से है। इसलिए मैं यह कहना चाहता हूं, माननीय अमित शाह जी ने जो अपनी बातों को रखा, उन्होंने क्या कह दिया, उन्होंने पूर्णिया में रैली, उस पूर्णिया की धरती जहां 2014 के चुनाव थे, वो तो हमारी राजनीति में औकात बताने के लिए अहंकार उनमें भरा हुआ था। 2014 में पूर्णिया में चारों खाने चित हुए। हम लोग कॉलेज के दिन में जब पढ़ते थे तो एक गाना बहुत मशहूर था और उसका शुरुआत ही होता था, जमूरा था उसका तो दिखा अपना कमाल। क्या हालात था कल पूर्णिया की सभा का, माननीय अमित शाह जी 30 मिनट 58 सेकंड बोले, अनुप्रिया ने बताया कि अपनी उपलब्धि की चर्चा तो उनके लिए बेमानी था, वो राजद के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का नाम ले रहे हैं 21 बार, नीतीश जी का 20 बार, लालू जी नीतीश जी का 7 बार, और बिहार में भय का वातावरण है इसकी चर्चा 5 बार किया, ताली बजाओ 3 बार, जोर से बोलो 10 बार। माननीय अमित शाह जी, देश की राजनीति में एक ऐसी परंपरा है, आप शुरुआत कर रहे हैं, अब कौन है जमूरा कौन है उस्ताद हूं जाने, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की नई कार्यशैली है कि ताली बजाओ जोर से बोलो। ये जो पूरा परिदृश्य उभर करके आया उससे ये लग रहा था कि और पैरवी से ताली बजवाना, राजनीति का इससे बड़ा दुर्भाग्यजनक पक्ष नहीं हो सकता है कि कोई लीडर स्टेट्समैन यह कहे कि ताली बजाओ, इसका मतलब जनता रिस्पॉन्ड नहीं करती आपको। इसका एहसास माननीय अमित शाह जी आपको हुआ होगा, और हम इसलिए इन बातों की चर्चा कर रहे हैं कि देखा होगा आपने, एक बार मैंने देखा, मैं सुन रहा था, गरीबों की सरकार है ना, उस पर कोई कुछ बोल ही नहीं रहा था, जवाब ही नहीं आ रहा था, लग रहा था कि अडानी अंबानी वाला बात दिमाग में चला गया सरकार, जो उसकी सरकार है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति की एक ऐसी प्रयोगशाला ये बनाना चाहते हैं जहां अपनी उपलब्धियों की चर्चा नहीं करते, नकारात्मक बिंदुओं को राजनीति में केंद्र बिंदु के रूप में ये रखना चाहते हैं। मैं
इन बातों की चर्चा इसलिए कर रहा हूं तो माननीय नीतीश कुमार जी ने दिया, उनके चरणों में शीश झुका करके डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम महाविद्यालय हमने बनाया 674 करोड़ का, पूरा राज्य सरकार का पैसा है, लेना ना देना छुछे फुलेना बनाल है, एक पैसा दिए नहीं। अकार है कि हम डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम कृषि महाविद्यालय हमने बनाया, अरे वहां तो पढ़ाई शुरू हो गई, फिशरीज की पढ़ाई शुरू हो गई, पशु विज्ञान के लिए कैबिनेट से स्वीकृति मिल गई, और बिहार है इनके दोयम दर्जे के नेता, मैं दोयम दर्जा कहता हूं क्योंकि वहां पर तो एक अधिकारवाद है, दोयम दर्जे के नेता सीमांचल के डेमोग्राफी के बारे में बोल रहे थे, कह रहे थे क्या किन किन शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे, पूरा सब परिवार दंडवत था कि दम लगे हुए हैं, सीमांचल की रैली करना है, नया संदेश जाएगा, और क्या क्या बयान दिया था इन लोगों ने। लेकिन बिहार की जनता का जन दबाव कि अमित शाह जी की जुबान नहीं खुली, चूंकि जैसे ही वो ये सवाल करते धार्मिक ध्रुवीकरण का, उनको आईना हम दिखाते, आईना हम लोग तैयार थे कि पूरे डेमोग्राफी पर उनको ऐसा जवाब देंगे, तो उनको इस बात का अंदेशा था कि ध्रुवीकरण की राजनीति की अगर चर्चा करेंगे तो बिहार की जनता भी उसको मंजूर नहीं करेगी, सीमांचल की जनता भी, तो बैक हो गए, चर्चा ही नहीं किया। जबकि इनके नेता लगातार प्रवचन कर रहे थे, रैली के पहले का बयान आप तमाम लोगों के पास होगा, उनके केंद्रीय मंत्री हो, उनके प्रदेश अध्यक्ष हो, सब लोग अपना स्कोर सेट कर रहे थे कि नहीं यार इसी सवाल पर रैली है, लेकिन रैली में अमित शाह जी को हिम्मत नहीं हुआ कि सीमांचल में सामाजिक उन्माद की भाषा और सांप्रदायिक उन्माद की भाषा बोलते। इसलिए अब बताया अनुप्रिया ने, कम से कम यादाश्त तो ठीक रखिए ना अमित शाह जी, बेचैनी बात बहुत रहते हैं, बेचैन मत हुई बहुत, कौन आप लोग का, और हम तो या उनके कारिंदे अगर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को सुन रहे होंगे तो दिमाग खोलकर लैपटॉप लेकर और साथ ही साथ अगर मोबाइल में रिकॉर्ड हो रहा है तो रिकॉर्ड कर लीजिएगा अमित शाह जी, क्योंकि अभी बिहार में ही है, दिमाग भी खोल कर रखिएगा, मोबाइल को भी एकदम अपडेट रखिए, लैपटॉप को रखिए, जिस आईपैड में जहां मर्जी हो उन तथ्यों को जो हम बोल रहे हैं उसको अपने सूचीबद्ध कीजिए। और आपने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के नाम पर जो एग्रीकल्चर कॉलेज वो केंद्र सरकार का है, आपको इतना भी नहीं मालूम, बिहार में भारतीय जनता पार्टी सत्ता में रही, आपके कृषि मंत्री रहे, इतना भी राजनीति में आदमी को फरेब और झूठ नहीं बोलना चाहिए। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के प्रति सम्मान का भाव किसी ने कर दिया। तो सुना आपने नीरज कुमार को, जो साफ तौर पर अमित शाह के एक एक बातों का वो पोल खोल रहे थे जेडीयू कार्यालय से प्रेस कॉन्फ्रेंस करके। अब देखना होगा बीजेपी के नेताओं का इस पर क्या कुछ प्रतिक्रिया आती है। अब बने हमारे साथ, अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।